चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि वो इन मार्गों की निगरानी करें, संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को भी मौके पर भेजें। उन्होंने चार धाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और SP का पूरा सहयोग करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि यात्रियों को जिन स्थानों पर ठहराने की व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सुनिश्चित किया जाए कि उन स्थानों पर सभी मूलभूत सुविधाएं, मसलन पेयजल, बिजली, शौचालय, खानपान और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध रहे। उन्होंने पैदल मार्गों पर श्रद्धालुओं को पेयजल और अन्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए। जो हमारे यात्रीगण पहले से आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जैसे जैसे धामों में स्थिति बन रही है उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब तेजी से बढ़ाया है। कल भी ऋषिकेश और विकास नगर से एक बड़ी संख्या आगे भेजी गई है और आज बिल्कुल धामों में स्थिति सामान्य है। आज गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम सभी दर्शन करने वाले ठीक प्रकार से कर रहे हैं, यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ जी में। अब धीरे धीरे ये यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है और जो अन्य व्यवस्थाएं होल्डिंग स्थानों पर यात्रियों के लिए जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था है, पेयजल ये सब सुनिश्चित करने को कहा है। शौचालय इत्यादि की व्यवस्था को भी ठीक प्रकार से सुचारू करने की बात हुई है और जो भी जरूरी है वो सब कर रहे हैं। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी यात्रा पर आए और उनकी यात्रा अच्छी हो, मंगल।